हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ SBI फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें SBI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं SBI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 32.38% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 16.41% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 17.25% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की इनका बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.21% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 117.48 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 20,647 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ कैश रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,757 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,39,808 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,669 रुपया। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,32,380 रुपया होता, 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,57,751 रुपया होता, और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,21,597 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है, टोटल 91 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, कॉन्जॉइंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.6, कैश में है 3.3 और डेबिट पे है 0.1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 26, अदर्स पे 16.5, एनर्जी 10.7, सर्विस 9.1, कंस्ट्रक्शन 9, ऑटोमोबाइल 8.6, टेक्नोलॉजी 7.1, कंज्यूमर स्टेप 7, मेटल एंड माइनिंग पे 6.1%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.69 और PB रेशियो 3.22। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम SIP आपको 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें SBI फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं SBI फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न 1 साल में 32.4, 3 साल में 16.4, 5 साल में 17.3 और एनुअल है 17.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 41.3, 3 साल में 18.7, 5 साल में 18.1 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल कर दिया है, चाहे हम लोग बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। यदि आप शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये टॉप 5 में अपना जगह बना ही नहीं पा रहा है, बेस्ट फ्लेक्सी कैप के अंदर आ ही नहीं रहा है। तो अगर आपने एक फ्रेश बाय करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड तो इसमें आप बाय मत कीजिए। तो किस में बाय करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है
तो फिर यदि आपका इन्वेस्टमेंट का 1 साल से कम टाइम हुआ है तो फिर आप इसको ब्रेक करके दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं। बात करें कौन सा फ्लेक्सी कैप अभी सबसे बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट एक ही फ्लेक्सी कैप है आज के डेट में, जो कि है JM फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रो। तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.82% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं SBI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। अनूप उपाध्याय अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 117 रुपया 48 पैसा। बात करते हैं SBI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।